राम राम भाई सभी को। हमारी यूट्यूब चैनल हरा भरा हरियाणा टेरेस गार्डन की ओर से आज हम आपको एक लिक्विड खाद बताएंगे जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इससे हमारे पौधे फल फूलेंगे, फ्रूट ज़्यादा आएगा। चलो दिखाते हैं ना पौधों के लिए। उसके लिए हमें चाहिए पानी, गोबर, बेसन या किसी भी दाल का पाउडर, गुड़ और पिपड़ या बड़ के नीचे की मिट्टी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। और क्वांटिटी बताऊँ तो 15 लीटर पानी, आधा किलो गोबर और 50-50 ग्राम गुड़ और बेसन और गौमूत्र 200 ग्राम और ये 250 ग्राम। चलो हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम इसमें गोबर डाल देंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास ताजा गोबर और ताजा गौमूत्र ना हो तो आप उपले ले सकते हैं सूखे, और किसी भी कंपनी का गौमूत्र भी ले सकते हैं, लेकिन वो है ना कम असर करेगा या ज़्यादा असर करेगा। और गोबर भी 3 से 4 दिन का पुराना गोबर होना चाहिए, नहीं कि आज भैंस ने किया, आज उसने किया, आज भी डाल देंगे। आप भैंस का गोबर भी ले सकते हो, लेकिन उसका मूत्र भी भैंस का लेना पड़ेगा फिर। और दिखाते हैं आपको खूब खूब ही लाना है, ये तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसको बहुत ऐसे ही लाना है। अगर आपके आसपास कहीं गौशाला है तो वहाँ से बहुत अच्छा मिल जाएगा गोबर और गौमूत्र, दोनों चीज़ आप वहाँ से ला सकते हैं। और आप कहीं बड़े शहर में रहते हो, आपको नहीं मिलता तो आप फिर उसका खरीद कर सकते हो। देखो ये है ना, इसका कलर देखो कितना काला हो गया है। हमने ये कर दिया मिक्स और इसको कर दिया ढक देंगे और तीनों टाइम इसको चलाते रहेंगे। ये देखो भाई, अब एक हफ्ता के बाद ये रिजल्ट है इसका, ऐसा रंग हो गया इसका, ऐसे बन गया ये। इसको हम हफ्ते से 15 दिन तक रख सकते हैं, ऐसे ढक कर रखना है ताकि वो ना, और तीनों टाइम इसको चलाना है। अभी ऐसा बन गया, अभी इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों में भी दे सकते, दो तरह से कर सकते हैं। पानी की क्वांटिटी 2 गुना और इसकी 1 गुना मिलाकर तब इसमें डालना है। चलो हम आपको डाल कर दिखाते हैं। अब हमने 2 जग का पानी ले लिया, ये जो बनाया था जीवामृत ये ले लिया। अब इन मामू वो जाम डाल कर दिखाते हैं। हम इस लिक्विड खाद को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, फूल वाला हो, बेल वाला हो या फूल फल वाला हो। तो हम आपको डाल कर दिखाते हैं। ये हमारा नींबू का पेड़ है, इसको थोड़े थोड़े फूल आने लग गए हैं तो हम उसमें डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से। ये हमारा गुड़हल का पेड़ है और ये हमारी इलायची है, इलायची का पेड़ है। अब हो गई शाम और हमारी वीडियो हो गई ख़त्म। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ऐसी नई घंटी दिख रही होगी आपको उसको भी दबा दें। और अगर आपको गया तो रिबोने देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वो भी चेक कर लेना।